अब मैं उज्जैन शहर के टावर चौक पे आ गया हूँ। आप देखिए गाड़ी लगी है हर जगह, हर पुराने शहर में टावर चौक रहता है टावर। यहाँ पर कुछ लोग, आप लोग इतनी संख्या में, हम सब मित्र लोग हैं, बैठे थे कि टहल रहे हैं शहर में, शहर में घूम रहे हैं। और क्या, किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं? नहीं, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, प्रचार नहीं कर रहे। प्रचार कांग्रेस पार्टी का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के लोग थे सर हैं। सब आप लोग कांग्रेस के? सब कांग्रेस, सब कांग्रेस। क्या है हिसाब की तरह? कांग्रेस जीतेगी इस बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा में बहुमत से। उज्जैन में कुल 7 विधानसभा है, पिछली बार 4 कांग्रेस को आई थी, 3 बीजेपी को, इस बार का क्या मामला है? इस बार उज्जैन शहर की उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा आएगी, संख्या की चोट पे आएगी। आम जनता का मामला पूछ लो ना, किधर भी हमारे साथ चल के। अरे हम तो आम जनता से ही पूछते हैं, हम सोचे आप आम जनता है, लेकिन इतने लोग थे तो मैं समझ गया कोई पार्टी वाले हैं। नहीं, कांग्रेस ही जीतेगी दक्षिण और उत्तर दोनों। 7 सीटी उज्जैन की कांग्रेस की आएगी। अरे 8 दिला दो, क्या जाता है? 7 आएगी, साथ ही आएगी कांग्रेस की। हाँ, साथ ही आएगी। अच्छा एक बात बताओ, उज्जैन महाकाल का देख रहे हो कॉरिडोर, महाकाल लोक जो बना है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की देन थी जिन्होंने महाकाल लोक का वो करा था, और इन्होंने उसको एडाप्ट करके और भ्रष्टाचार कराए। अब आप बताएं। हम क्या बताएं, हम तो गए थे देखने, सब बन रहा है इतना तगड़ा, तो भ्रष्टाचार हुआ। एक जरा सा सप्त ऋषियों की मूर्ति, एक जरा सी हवा आंधी तूफान नहीं झेल पाई, वो गिर गई, तो उसका श्राप इनको मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो कांग्रेस पार्टी में टिकट का बंटवारा में बड़ा दिक्कत आ रही है। आज अभी फाइनल है, आधा घंटे में, अभी आधा घंटे में फाइनल है कांग्रेस पार्टी की टिकट, अभी आधा घंटे में फाइनल है। बोलिए, आपके कैंडिडेट का भी? हमारे कैंडिडेट का भी शाम तक 6 बजे तक टिकट आ जाएगा, मिस्टर अजीत सिंह का टिकट कांग्रेस से। बहुत सीट पर मामला फंसा भी हुआ, मैं बता दूं दिल्ली में बैठक हो रही है, कहीं ऐसा ना हो रहा आपका उम्मीदवार का पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा उम्मीदवार हमारे साथ में ही है, कैसे पता नहीं मिलेगा? इधर है, यहाँ है। हाँ, यही है अजीत सिंह जी, वही अभी जो आपसे बात करे, अजीत सिंह जी वही थे जो अभी हमसे बात, वही थे अजीत सिंह जी, वो कैंडिडेट है जो अभी बात कर रहे, वो कैंडिडेट है दक्षिण के। बीजेपी और कांग्रेस में, जो कांग्रेस में 25 साल पहले होता था वो बीजेपी होने लग गया, कि वो जातिवाद, पक्षपात, बेटावाद, भाई भतीजावाद, वो टिकट की मांग मारी जाए, नहीं तो टिकट कब से फाइनल होते हैं। और ये जो चुनाव अब वो चुनाव नहीं, अब आम पब्लिक चुनाव हो गए। ये चाहते हैं कि सरकार फिर से बन जाए बीजेपी की, पर कैसे बनेगी? हम 15 साल तक आपने चेहरा देखा, लोग राजस्थान की जनता बहुत समझदार समझता इस बात में, राजस्थान की जनता और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है कि हर 5 साल में राजस्थान सरकार बदलती है और काम सब होते हैं। वो दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों के मिलके मेरी कितनी समझदार पब्लिक। टोपी जी महाराज, पहले ये टोपी हमेशा लगाते हो क्या? हाँ, हमेशा लगाते हैं। इस टोपी में कोई राज है? कोई राज नहीं है, हम तो आम पब्लिक और आम पब्लिक से ही बात करते हैं, जनता का जहाँ तक। पहले आप बताइए, यहाँ आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूम रहे हो? नहीं, मैं तो ये रास्ते में रुका हूँ। अच्छा, आप इन लोग साथ नहीं हो? नहीं, मैं अलग, ये तो भैया ने परिचित है तो मैं आया इधर। अच्छा, मैं महाकाल भक्त मंडल का आदमी हूँ। ये लोग महाकाल का, हम इन लोगों को बोल रहे हैं, इतना बड़ा अच्छा तगड़ा कॉरिडोर बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि उल्टा। नहीं, महाकाल कॉरिडोर जो बात सत्य है कि कमलनाथ जी ने सबसे पहले आके बात करी, 400 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करा। मेरी बात सुनो, वो जब वो बात ही, आप आम आदमी हो? आम आदमी नहीं, वो उसके बाद बीजेपी आगे होगी? नहीं, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूं, आम आदमी से। अच्छा, नहीं, यहाँ कांग्रेस वाले आगे, दूसरे का कांग्रेस वाले थे, मैं सोचा उसमें। आप ये कह रहे हो हमेशा सरकार बदल जानी चाहिए? हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं जनता समझदार है, तब तो राजस्थान में अशोक गहलोत का नमस्ते हो जाएगा। नहीं नहीं सर, वो तो जनता वहाँ की जागरूक है, वो हर बात की जवाब देती है, सिटी की जवाब देती है, जिस तरह दिल्ली के अंदर जवाब देती है। दोनों पार्टी थक गई, आम आदमी को बता हटा सकी? एक एक आदमी, एक एक विधायक, एक एक घर लगे थे, पर ये जनता का जो फैसला होता वो ऐतिहासिक फैसला होता, जनता जागरूक है, पर हमारे मध्य प्रदेश। ठीक है, सुनो, इधर बच्ची, इधर रुको, क्यों हंस रही थी आप बताओ? अरे नहीं, वो आपका चल रहा था इसलिए देख रही थी मैं क्या हो रहा है यहाँ। मैं ऐसे राह चलते लोगों से बात करूं, मैं दिखा टीवी क्यों सुनो? अरे मैं भैया से पूछ रही थी क्या हो रहा है, मतलब न्यूज़ वगैरह भी, वीडियो कॉल वगैरह हो रही है? न्यूज़ पे तो आता है, हम ऐसे ही खड़े थे यहाँ पे, कुछ लोग आए वोट के लिए। हाँ, वोट के लिए, पता चला कि वही कैंडिडेट है। और मैं मुझे क्या मालूम, तो इसलिए टीवी हम भी आ जाएंगे। तो आ जाओगी तो क्या, कोई टीवी पे तो आना क्या उसमें? ये कौन है आपकी? ये मेरी मम्मी है। तो मम्मी जब साथी है तो टीवी पे आ जाओगी तो क्या हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं, मम्मी के साथ घर पे रहती हूँ।
आप क्या करती? मैं घर पे खाना बनाती और स्कूल बच्चा पे पहुँचाती बच्चा को स्कूल पहुँचाती स्कूल। वो 1000 रुपया लाडली बहना वाला मिल रहा आपको? क्या मिल रहा? नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिला? हाँ हाँ। अच्छा ये चुनाव हो रहा है, आप क्या करती हो, पढ़ाई करती हो? हाँ हो गई मेरी, मतलब 12th करके छोड़ दी मैंने। क्यों, फिर आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस नहीं पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये चुनाव हो रहा है एमपी में, तो इस बार क्या लग रहा है? पता नहीं क्या होगा इस बार, धमाका होगा इस बार लग रहा है। धमाका? नहीं वो क्या मतलब कौन जीतेगा कौन जीतेगा किसी को पता तो ही नहीं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसको कौन वोट देगा। लोग बात क्या करते हैं घर में इधर उधर? मेरे को तो नहीं पता, मेरे मामा वगैरह को पता, मैं तो उज्जैन में रहती हूँ, मतलब जो बात करते चुनाव वगैरह उनसे दूर रहती हूँ। ये लोग कहते हैं मामा आएंगे कि जाएंगे? मेरे को तो लगता है मामा आएंगे। आएंगे? इतनी आसानी से मामा थोड़ी जाएंगे। क्यों? तो मामा क्यों जाएंगे, मामा तो मतलब बहुत कर रहे हैं अपने, मतलब सेवा वगैरह बहुत कर रहे हैं, मतलब पब्लिक की है वो, और पब्लिक थी आसानी से मामा को जाने थोड़ी देगी। मेरे को तो लगता है मामा को ही वोट देंगे सब। आपको क्या लगता है? हम तुमसे पूछे तुम हमसे पूछे? नहीं मैं बोल रही हूँ मैं एमपी का वोटर थोड़ी नहीं हूँ। अच्छा मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से आए हो वैसा, पर मेरे को लगता है मामा ही जीतेंगे। आपको क्या लगता है? मामा जी। मामा लगता है वही आएंगे। हाँ क्यों भी जाएगा? अच्छा चलिए आप कहाँ से आओ? मैं दिल्ली से आया। अच्छा दिल्ली से आयो, आप भी कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ बोलना चाहते हो? कौन आएगा चुनाव में, मामा आएगा कि जाएगा? मेरे हिसाब से तो जाएगा। हाँ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, मामा आ सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद तो यही है। अच्छा जी मामा आएंगे कि जाएंगे? आएंगे सर। ये तो देखो जनता पार्टी वाले अलग अलग बात करते हैं, पर जनता तो वही चाहती है जो फायदा होगा, फैसला तो जनता ही करेगा ना। ये तो देखो पार्टी वाले लोग बोलते रहते हैं कि कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगा, वो तो पार्टी वाले, पर वो तो मामा ही आएगा। क्या किया ऐसा क्या किया? अरे यार अच्छा काम कर रही है वो, बिजली पानी रोड सभी तो हो रही है बीजेपी। पार्टी में पार्टी वाले लग रहा है कि दोनों अपनी अपनी रोटी सेकेंगे वो तो। नहीं नहीं बीजेपी पार्टी में लग रहा है कि मामा को बनाएगा कि नहीं बनाएगा इस बार? वाह मामा को बना दे या उसके पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, पर बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा आप चाहते हैं कि बीजेपी की बने? तो बनेगी नहीं सर। लेकिन किस लिए आपको बीजेपी पसंद है? तो किसान के लिए सबसे एक नंबर आ रही है, बिजली पानी रोड सब सुविधा, किसान कार्ड जो भी टैप लाइट वगैरह सभी ले रहे, एक नंबर लाइट चल रही है। पहले कांग्रेस के जमाने में लाइट ही नहीं थी, हाथ फेर देते कोई बाल्टे से नहीं था, प्रॉब्लम थी किसान को सभी। अभी 12 महीने मंडी इतना अनाज पैदा हो रही है, 12 ही मंडी फूल जा रही है 12 महीना, तो कोई दिक्कत नहीं है किसान के लिए। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।